यहां पर लाया क्या? यह ठीक नहीं है देवा। चिल्लाओ मत इंस्पेक्टर, यह देवा की अदालत है और मेरी अदालत में अपराधियों को ऊंचा बोलने की इजाजत नहीं। लेकिन मैंने किया क्या? तेरे गुनाहों का काला चिट्ठा मेरे पास है इंस्पेक्टर। तुझे कानून की ठेकेदारी का लाइसेंस मिले 6 साल हुए और उन 6 सालों में तूने अपने लॉकअप में 5 लोगों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। देखो देवा, मुझे यहां से जाने दो। नहीं कुलकर्णी, मैं तुझे यहां से जाने की इजाजत नहीं दे सकता। मैं यहां ऊंचाई पर बैठा जरूर हूं, मगर इस कोर्ट के फैसले नीचे बैठे ये लोग करते हैं। कुलकर्णी, तू गुनहगार है या बेगुनाह, इसका फैसला होना तो अभी बाकी है। अपराधी, 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 अपराधी। नहीं देवा, मैंने कोई अपराध नहीं किया, मैंने किसी को नहीं मारा। अब अगर मैं किसी को रिमांड पर लेता हूं और वो रिमांड में लेने के बाद जो तू कहाश्र करता है, यही जानने के लिए मैंने जॉन को भेजा था तेरे पास। कुलकर्णी, तूने मेरे 2 आदमी मारे, उनकी मौत तो मैं तुझे बख्श भी सकता हूं, मगर जिन 3 बेगुनाह लोगों को तूने मारा है, उनका तो गुनाह की दुनिया से कोई वास्ता ही नहीं था। उन्हें मारकर तूने उनके परिवारों को भूख, गरीबी और तकलीफों में झोंक दिया। उनमें से एक अपने बूढ़े मां बाप का इकलौता सहारा था और जिस मजदूर पर तूने गोलियां दागी वो 12 लोगों का पेट भरता था और अंसारी की विधवा की गोद में 3 महीने का बच्चा है। और ये सारे पाप तूने अपनी इस वर्दी पर एक और स्टार बढ़ाने के लिए किए हैं। नहीं देवा, नहीं देवा, तुम मुझे नहीं मार सकते। तुम जानते हो हमारा डिपार्टमेंट, ये काम मैं उसी की भलाई के लिए कर रहा हूं। ये रिवॉल्वर सरकार ने तुझे बुराइयों को मिटाने के लिए दिया था, तूने इसे सिर्फ गुनाह किए हैं। नहीं देवा, ये रिवॉल्वर पहली बार कोई नेक काम करने जा रहा है। बात है भाई, पटाखे किस खुशी में जला रहे हो? ए, तेरे को मालूम नहीं क्या, इंडिया मैच हार गई है, अपुन पूरे 5,000 रुपए जीते ले बाप। जिस देश में पल रहे हो, जिस देश की रोटियां खाते हो, उस देश की हार की खुशियां मनाते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? लो, एक और गांधी जी आ गए। ए, चल फूट ले इधर से, ये फूटेगा ना तेरा मुंह भी काला हो जाएगा। चल फूट ले, चल भैया, भैया चलो ना। ए, चल 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 शाने चल। आकाश, गुड्डी को लेकर घर जाओ, चलो चलो। क्यों बे? मेरे भाई का मुंह काला करेगा तू। बाबूजी, गलती उन लोगों की थी, पहले उसने मुझे हाथ लगाया उसके बाद, और उसके बाद इन्होंने अपनी गुंडागर्दी दिखा दी, उन्हें पकड़कर पीटना शुरू कर दिया। मैं पूछता हूँ क्या फर्क है उन मवालियों में और इसमें? हाँ हाँ, मैंने मारा उन्हें, अगर वो भाग नहीं जाते तो उनके हाथ पैर तोड़ देता। देवा, किस तरह बात कर रहे हैं तू? मुझे बोलने दे माँ,
मेरे भाई को कोई गाली दे, उस पर हाथ उठाए, मैं खड़ा तमाशा देखता रहूं? तुम समझते क्या हो अपने आप को? किसी के भी हाथ पांव तोड़ दोगे तुम, और ये सब करके परेशानी में किसे डालोगे? हमें ही ना। मैं आपको परेशानी में नहीं डालना चाहता बाबूजी, मगर बुजदिलों की तरह जी भी नहीं सकता। बुराई को देखकर मुंह नहीं मोड़ सकता मैं। मैं फिर से कहता हूँ कि मैंने वहां जो भी किया ठीक किया, गलत नहीं किया। आप भी उसके हर बात पे नाराज हो जाते हैं। अब इस उम्र में इतना कोई झुक के भी तो नहीं चल सकता। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? मैं नहीं गुजरा इस उम्र से, ये नहीं गुजरा। जवानी का ये मतलब नहीं कि आदमी आगे पीछे का सोचना बंद कर दे। चलो खाना दो मुझे। देवा, जिस तरह से उन लोगों ने मुझे पकड़ लिया था, मैं तो डर ही गया था यार। क्या आकाश, आठ दस थे वो, और गुड्डी भी तो मेरे साथ थी। ऐसे लोग कागजी शेर होते हैं, कोई दम नहीं होता इनमें, एक मारो तो भाग जाते हैं। तू हंस क्यों रहा है? उसने कहा ना तुझे कि तू दूसरा गांधी है। गांधी, पता है कितनी बड़ी हस्ती थी? टान टान। आज की ताजा खबर, बाबूजी कमरे में चले गए हैं। खाना खा लो, खाना खा लो, चलो। हाँ यार, रखते हैं। वैसे भैया, कुछ भी हो, पूरे मोहल्ले में चर्चे हैं आपके। आज आपने जिस तरह से उन लोगों की पिटाई की, एक इधर से एक उधर से, वाह भाई वाह। अब तो लोग जान गए कि गुड्डी का भाई भी कुछ है। चल अब बस कर, तेरी ये तारीफ के पुल अगर बाबूजी ने सुन लिया ना तो क्या, इसे डांट पड़ेगी, ये नाराज हो जाएगी, फिर खाने की थाली इसके कमरे में मैं लेके जाऊंगा। सुन रही हूँ आंसी। मुझे कभी कभी देवा पर आपका इतना गुस्सा करना ठीक नहीं लगता। मैं ये नहीं कहती कि उसे बहुत छूट दे देनी चाहिए, लेकिन तुम्हें क्या लगता मैं प्यार नहीं करता उससे? तुम्हारी बेटी जो चोरी चोरी खाना खिलाती है ना उसे, वो थाली मैं ही लगाता हूँ। क्या जी? प्यार का मतलब ये नहीं कि उसकी गलतियों और हरकतों पर नजर न रखो। गायत्री, एक गलत कदम उठ जाए तो फिर जिंदगी भर पछताना पड़ता है। वैसे भी मुझे उसके गुस्सैल स्वभाव से डर लगता है। लो, तुम्हारे जिद्दी लड़के की सड़क पर जाने का सिग्नल आ गया। इसे क्या हुआ? गुड्डी, गुड्डी, अरे तू रो क्यों रही है? ओ, सिर्फ रोएगी या कुछ बताएगी भी? माँ, आज उस विलास ने फिर से मुझे। विलास ने फिर से क्या? भैया, आज उसने फिर मेरा रास्ता रोका। मैंने जब उसे मना किया तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। देवा, पागल होगी क्या? उसके सामने बोलने की क्या जरूरत थी? पता नहीं अब वो क्या कर बैठेगा। लेकिन माँ, मैं भी क्या करती? तू चल मेरे साथ। देवा, देवा रुक, रुक बेटा, रुक। क्या देवा? देवा रुक। भैया मेरी बात तो सुनो। मेरी बात तो सुनो। हमें तो बात नहीं करनी है। हम विलास को सुनाते हैं। भैया प्लीज, भैया बात तो सुनो। देवा रुक जा। भैया रुक जा। भैया क्या कर रहे हो? रुक जा। चल लग गई यार मिंडी, पैसा निकाल, पैसा निकाल, निकाल निकाल निकाल। Oh!
देवा छोड़ दे, देवा छोड़ दे, उसे छोड़ दे, बढ़िया हो, देवा छोड़ दे, छोड़ दे, क्या तुम बात कर रहे हो? प्लीज कोई पानी लाओ। क्या किया तूने? क्या किया? एक हत्यारे ने जन्म लिया है मेरे घर में, एक हत्यारे ने जन्म लिया मेरे घर में। तू पैदा होते मर क्यों नहीं गया? मर क्यों नहीं गया? एक अबागा बाप हूं मैं, अबागा बाप हूं मैं। ले जाओ इस हरामजादे को, मत कर दो इसे, मत कर दो इस हरामजादे को जिंदगी भर के लिए। नहीं चाहिए मुझे ऐसा बेटा, नहीं चाहिए मुझे। ले जाओ इस हरामजादे को। इसी दिन से डरता था, इसी दिन से। लेकिन तुम लोगों को तो समझ में नहीं आता था उस वक्त जब मैं देवा को लेकर झगड़े करता था। दुश्मन लगता था तुम लोगों को मैं देवा का। पता नहीं अंदर ही अंदर क्या पाप पाल रहा था, क्या कमी रह गई थी मुझसे उसकी परवरिश में। कहीं बाबूजी, बाबूजी विलास तो मेरा भाई था ना, मगर गुड्डी की इज्जत पर हाथ डालकर उसने जितना बड़ा पाप किया ना, देवा ने उतनी बड़ी सजा नहीं दी उसे। अरे देवा क्या, कोई भी भाई ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई उसकी बहन के साथ। बाबूजी शर्मनाक वो नहीं जो देवा ने किया, शर्मनाक वो है जो मेरे भाई ने किया, मेरे खुद ने। इतना इतना प्यार मुझे मिला है इस घर से, कभी पराया होने का एहसास नहीं दिया। ताज़ेरात हिंद दफा 307 के तहत ये अदालत मुजरिम देवा को 4 साल की सजा सुनाती है। तू फिक्र नहीं करना, मैं बाबूजी को मनाऊंगा, हम लोग हाई कोर्ट में अपील करेंगे। तू बिल्कुल आकाश क्या कर रहा था? देख मुझे भी रुलाएगा आकाश। एक दंतो महाबुद्धि सर्वज्ञो गणनायक, सर्व सिद्धि करो सेवा गौरी पुत्र विनायक, कन्या की मांग में सिंदूर भरिए। ओम गजानन भूत गुणादि सेवितम कपित्त जंबू फल चारु भक्षणम उमा सुतम शोक विनाशकारकम नमः।